नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं चैनल दीपक करे। दोस्तों आज बात करेंगे स्टूडेंट से रिलेटेड कि किस तरीके से पढ़ा जाए कि हमेशा याद बना रहे, या पढ़ते वक्त ऐसा क्या करें जिससे कि मन लगा रहे पढ़ने में। तो दोस्तों खास आपके लिए नहीं, ये सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ट्वेल्थ, हाई स्कूल, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोगों के लिए ये काम की वीडियो है। और प्लीज वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी भी बातें आ सकती हैं जो आपके बहुत काम आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि वो आपके काम ही आए, ऐसी भी होंगी जो आपको फालतू लगेंगी, लेकिन प्लीज आप थोड़ा सा टाइम जरूर बर्बाद कर लेना और इस वीडियो को देख लेना। तो आज मुद्दे पे बात करते हैं कि कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे कि हमारा पढ़ाई में मन लगा रहे, या ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा मन विचलित ना हो, या कहीं भी मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पर बार बार ना जाए, केवल पढ़ाई में ही मन लगा रहे। तो वो सारी टेक्निक आपको बताऊंगा। दोस्तों तो बीच में एक बात बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना यदि आपको वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि हाँ ये काम की वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सब्सक्राइब करने का आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन जरूर दबाना, उसको प्रेस करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन होता है जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास मैसेज एक प्रकार का आएगा यूट्यूब पर। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना। अब मुद्दे पर बात करते हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारा मन पढ़ाई में लगा रहे और बार बार विचलित ना हो। दोस्तों होता क्या है, एक माइंड का अपना एक सिस्टमेटिक वे है काम करने का। इसकी आदत होती है भूल जाने की, दिमाग की आदत होती है भूल जाने की। ये कुछ भी चीज़ आप यदि अच्छे तरीके से भी याद कर लोगे तो ये भूल जाएगा। यदि आपको मैं एक बड़ा एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो आपको शायद समझ में आ जाए। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके माता पिता नहीं होंगे या खत्म हो गए होंगे, तो आप यदि उसको देखोगे तो शुरू शुरू में तो वो बहुत बहुत रोता है कि मेरी माँ खत्म हो गई या मेरे पाप चले गए, मर गए। उसके जस्ट 1 या 2 साल बाद देखना आप बिल्कुल भूल जाता है वो। जो व्यक्ति अपने माता पिता तक को भूल सकता है, तो ये तो फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक सब्जेक्ट के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वो कैसे हमें याद रहेगा यदि हम उसे बार बार याद नहीं करेंगे। यहाँ पर जब एक बच्चा अपने माँ या बाप को भुला सकता है जो कि उन्होंने खुद उनसे पैदा हुआ है और उनके साथ इतने साल रहा है, इसके बावजूद भी उनको भूल जाता है। हाँ ऐसा होता है कि कभी कभी कोई ऐसा मोमेंट ऐसा आ जाता है जिससे कि याद आ जाती है उनकी, लेकिन अमूमन जब देखा जाता है तो वो अपने माहौल ऐसा बना लेता है कि मस्ती नुमा उसी में खुश रहता है। तो दोस्त मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो हमारा माइंड रहता है वो कैसे काम करता है। तो माइंड जो हमारा रहता है उसकी आदत रहती है भूल जाने की। ये आपके आसपास अगर ना भी हो तो कोई भी रिलेटिव होगा, आपने आपने देखा होगा कि उसके कम उम्र में उसके माता या पिता चले गए होंगे, या माता पिता ना सही, दादा दादी जो भी है, कोई ना कोई खत्म होता है तो हम उनको भुला देते हैं। बहुत से बहुत 1 या 2 साल रहता है, बहुत से बहुत बोल दिया मैंने यहाँ। दोस्तों एक कड़वी बात यह है कि आपके भी यदि माता या पिता, मुझे माफ करना मैं ये थोड़ा ज्यादा आपको केवल समझाने के लिए ये थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, आप इसे अन्यथा कहीं मत लेना। यदि आपके भी माता पिता यदि की डेथ हो जाती है तो आप भी या मैं भी केवल 1 या 2 साल बहुत से बहुत उनको याद करके रोऊंगा या आंसू बहाऊंगा, लेकिन 1-2 साल बाद हम अपने ऐसे माहौल बना लेते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। ये माइंड हमारा जो काम करता है, केवल हम वो आपको बता रहा हूँ वो कि किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है। तो आप यदि सोचते हो कि आपको कोई टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया, और उसको आप यदि 1 या 2 साल तक नहीं पढ़ोगे तो आप भी उससे भूल जाओगे। 1-2 साल तो मैंने बहुत कह दिया। जैसे आप बोर्ड में, 10th बोर्ड में हो, और यदि आपने पहला सब्जेक्ट है उसका कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, और 6-7 महीने तक आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो वो आपका भूल जाओगे आप। तो प्लीज दोस्तों रिविजन बहुत जरूरी होता है। रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी सब्जेक्ट को याद करना, किसी भी टॉपिक को याद करना, रिवाइज करना ही होगा। हर 3 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा रिवाइज हो जाए, ऐसी आपको पढ़ाई में टेक्निक लानी पड़ेगी, या ऐसा अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा किसी भी बुक्स का कि वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर तो आप उसको रिवाइज कर सको। इस तरीके से पढ़ो, आपने यदि कोई टॉपिक समझ लिया, पूरा डिटेल से क्लियर कर लिया, लेकिन यदि आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप उसे भूल जाओगे, पूरा भूल जाओगे। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, क्लास में टॉप आना चाहते हैं, तो आपको ये अपने सिस्टमेटिक वे में लाना ही पड़ेगा कि आपको हर 3 महीने बाद किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक आपको रिवाइज करना है। तो इस तरीके से टाइम टेबल बनाओ, भले ही 60% या 70% किसी भी बुक को आप क्लियर कर सको, लेकिन करना इसी वे में कि आप उसको
हर 3 महीने बाद रिवाइज में ला पाओ। सबसे पहली बात तो ये है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इतने बड़े एग्जाम्पल को लिया था ताकि आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपके टू द पॉइंट आपको समझ में आ सके। इसके बाद दूसरी टेक्निक है, जब भी पढ़ाई करो आप एकांत में होकर पढ़ाई करो, क्योंकि होता क्या है हमारा मन, यदि कोई आसपास हम किसी कमरे में बैठे हैं जो जहां पर बार बार कोई आ रहा जा रहा है, तो वो हमारी जो पढ़ाई है, रेगुलरिटी है, एकाग्रता है, उसको भंग कर देता है। वो भंग ना हो पाए आप एकाग्रता, इसलिए आपको एक कोई ऐसा कमरा या ऐसा कोना या अपना छत या कोई भी, यदि आपको ज्यादा बड़ा घर ना हो तो कोई भी एक ऐसा कोना पकड़ लो जहां पर कोई बार बार आए जाए ना और किसी की आवाज थोड़ी कम सुनाई। दूसरी चीज होती है प्रॉपर लाइट होना चाहिए आप जहां पर पढ़ रहे हो, क्योंकि यदि लाइट नहीं रहेगी तो आपकी आंखें भी वीक होगी, आपका मन भी जागरूक नहीं रहेगा। होता क्या है कि यदि आप ट्राई करके देखना कभी कम लाइट में पढ़ना और कभी एकदम फोकस ज्यादा लाइट में पढ़ना, तो आप ज्यादा लाइट में एकदम सतर्क रहोगे और पढ़ने में पूरा मजा आएगा। मेरे कहने का मतलब कि कम लाइट में आपको नींद सी आती है, यदि आप रात में पढ़ो और लाइट अगर ज्यादा है तो आपको पढ़ने में पूरा फोकस रहेगा, हर शब्द हर अक्षर यदि आपको पूरा बारीकी से दिखेंगे तो अट्रैक्ट जो करेगा माइंड उसको डिटेल्स में करेगा। प्रॉपर यदि लाइट नहीं रहेगा आपके कमरे में जहां पर आप पढ़ रहे हो या जहां पर आप छत पर, तो वहां पर फिर आपको नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको समझ में अगर कम आएगा कि सर दिख तो रहे हैं लेकिन धुंधले धुंधले दिख रहे हैं, तो फिर वो जो फोकस रहता है माइंड का एग्जैक्ट वही टू द पॉइंट वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो ध्यान देना है कि प्रॉपर लाइट बनी रहे और आप जब भी पढ़ो पूरे अपने काम खत्म कर लो। जैसे कि कभी कभी होता है कि माँ होती हैं मिडिल क्लास फैमिली में, जो मेरे साथ ही बहुत बार हुआ करता था कि माँ बोलती रहती थी बीच में, बेटा पानी भर दो, बाल्टी उठा दो या मग उठा दो, जग उठा दो, ये छोटे मोटे काम जो रहते थे माँ के, पापा के, बहनों के, वो उन सबको पूरा खत्म कर लो और माँ से बोल दो कि माँ मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ, प्लीज जो भी काम है आप मुझे अब बता दो, मैं पूरा क्लियर कर दूं, उसके बाद आप बैठना पढ़ाई के लिए। माँ बाप जो भी आपके घर में है उनके सारे काम, यदि जो अपने खुद पर्सनली काम है वो भी पूरा फिनिश कर लेना, फिर जाके पढ़ने में बैठना, ताकि आपका बार बार मन उठे ना कि यार वो काम रह गया उसको भी करना है। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे ही काम, दो कौड़ी वाले जो काम होते हैं वो ज्यादा याद आते हैं हमें, क्योंकि मन तो हमारा पढ़ने में कम लगता है, ये तो स्वाभाविक होता है, क्योंकि हम लड़के पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पास होना है इसलिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज लेनी है इसलिए नहीं पढ़ते हम, होमवर्क पूरा करना है, होमवर्क नहीं करेंगे तो कल जो टीचर हैं वो लड़कियों के सामने हमारी बेइज्जती करेंगे, इसलिए हम होमवर्क कर रहे हैं। तो ये कुछ फोर्स होता है, इसलिए हमारा मन कम लगता है पढ़ने में और जो पढ़ने से बचने में ज्यादा जाता है कि काम बचा है वो जरूर करना है, पढ़ते भी जा रहे हैं याद भी करते जा रहे हैं और काम भी याद कर रहे हैं कि करना है, 5 मिनट बाद जाते हैं ये पढ़ लें पूरा पैराग्राफ फिर जाते हैं, तो आपका मन आपको आपसे लड़ता है कि वो काम डला है और तुम पढ़ने में लगे हो, तो आपके आप समझाते भी जाते हो कि हाँ ये पढ़ लें फिर जा रहे हैं 5, तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए प्लीज अपने पूरे काम निपटा लो फिर जाके पढ़ो। अगला पॉइंट है, यदि हो सके, यदि आपका कोई ऐसा दोस्त है जो पढ़ने में होशियार है और उसको आपसे ईर्ष्या ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि होता क्या है दोस्त हमारे रहते हैं उनको हमसे ईर्ष्या रहती है कि हम आगे ना बढ़ पाए, ऐसे बहुत कम दोस्त रहते हैं। तो यदि आपके पास ऐसा कोई दोस्त है तो उसके साथ जरूर पढ़े, आपका कोई दोस्त हो उसके साथ यदि पढ़ोगे तो आपका मन होता है फोकस रहेगा, टॉपिक आप क्लियर कर लोगे कि आज हमें इस टॉपिक पर बात करनी है, तो कहीं आपको यदि उसके टॉपिक के बारे में सही सही जानकारी ना हो और उससे सही जानकारी है तो आपका क्लियर हो जाएगा, और यदि उससे सही जानकारी नहीं है आपको सही जानकारी है तो डिस्कस करोगे तो उसका क्लियर हो जाएगा। तो एक सही दोस्त के साथ पढ़ाई करने में आपका ज्यादा देर तक मन लगता है, इससे आपकी जो एनर्जी रहती है वो पढ़ाई के प्रति फोकस रहती है, तो हो सके तो आप दोस्त के साथ भी पढ़ाई करो। अगला पॉइंट होता है, यदि आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, प्लीज मोबाइल पास में मत रखो, एक एग्जैक्ट टाइम फिक्स कर लो कि हमें 2 घंटे पढ़ना है, तो 2 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या मोबाइल को एयर मोड प्लान में डाल दो और कहीं दूसरे कमरे में रख दो। ये मोबाइल इतना अट्रैक्शन खींचता है हमारा, हर 5 मिनट 10 मिनट बाद हम चेक करते रहते हैं कि फेसबुक पर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई किसी की डीपी चेंज तो नहीं हो गई, तो ये इसमें यदि ये डिस्ट्रैक्ट ना हो तो प्लीज 2 घंटे के लिए बिल्कुल हटा दो मोबाइल, और परीक्षा के टाइम पे तो मोबाइल का तो हटा ही देना चाहिए, मोबाइल की सिम निकाल के अलग रख दो। आपका ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है कि आपके मोबाइल किस आप यदि पिक ना करो किसी का तो आपका बहुत बड़ा करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, तो प्लीज आपके वो दोस्ती हैं जो आपको फोन करेंगे वो भी टाइम वेस्ट करने के लिए आपको फोन करेंगे, तो ऐसा तो सोचो भी मत कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई कॉल आ गया, मम्मी या पापा ने किसी का कॉल आना हो या मोबाइल स्विच ऑफ करें तो ऐसा ना हो जाए कि किसी का अर्जेंट फोन आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता, ये मन हमारा हमें बेवकूफ बनाता रहता है इसलिए हमें ये ख्याल आते रहते हैं। तो प्लीज 2 घंटे के लिए आपको यदि कोई किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आए भी तो आने दो, अपने आपको अपने आप से झूठ मत बोलो, ये हमारा मन होता है हम बुरे काम करवाने के लिए हमसे
ऐसे हमको बेवकूफ बनाएगा कि यार किसी का फोन ना आ जाए, इसलिए फोन चालू रखे रहो, प्लीज ऐसा मत करना। और दोस्त एक और इम्पोर्टेंट सलाह देना चाह रहा हूँ कि आप यदि 3 या 5 घंटे का आप स्टडी प्लान बना रहे हो कि 5 घंटे तक पढ़ना ही पढ़ना है और बिल्कुल नहीं उठेंगे, प्लीज हर 30 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, ताकि आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट बना रहे और एग्जैक्ट टू द पॉइंट समझ में आए। क्योंकि है क्या कि हर एक बंदे का अपना अलग अलग माइंड का लेवल बना होता है। कोई 5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकता है, कोई 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकता है, कोई आधा घंटे भी बैठेगा लेकिन पढ़ता रहेगा। पढ़ने को पढ़ तो सकता है, लेकिन होता क्या है कि हमें क्या रिसीव हो रहा है, हमारे अंदर क्या जा रहा है। कोई 10 10 घंटे बैठ के पढ़ता रहता है और कोई 2 घंटे बैठ के पढ़ता रहता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो 2 घंटे वाले का हाई अच्छा आता है, टॉप पर जाता है, और जो 10 घंटे जो पढ़ते रहते हैं वो जो टॉप से थोड़ा कम होता है। तो ऐसा इसका एक ही खेल है कि जो 2 घंटे पढ़ रहा है तो वो 2 घंटे में पूरा फोकस होकर पढ़ रहा है, कंसंट्रेशन पावर उसकी इतनी हाई है कि वो जो भी पढ़ रहा है उसे पूरा समझ रहा है, पूरा एनालाइज कर पा रहा है। मेरे कहने का मतलब कि जो 2 घंटे पढ़ रहा है वो इतने फोकस होकर पढ़ रहा है कि उससे जितना भी है पूरा एनालाइज कर पा रहा है, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को एनालाइज करके समझ पा रहा है। यही टेक्निक यदि उस 10 घंटे वाले को पता चल जाए तो वो पढ़ के टॉप कर जाए, क्योंकि उसकी क्षमता तो अच्छी है ही। 10 10 घंटे तक बहुत कम ऐसे होते हैं जो लगातार बैठ के पढ़ पाए यदि, लेकिन उसको एक जो सूत्र होता है, जो बहुत बारीकी जो पकड़ रहती है पढ़ाई में, कि आप बिल्कुल फोकस होकर कैसे पढ़ पाए, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। जो हमारे जो क्लास के टॉपर होते हैं उनको यही सूत्र मालूम रहता है कि वो जो पढ़ते हैं तो पूरा फोकस, पूरी जितनी भी इंद्रियां हैं अपनी, आंख कान नाक मुंह जीव, पूरा शरीर तन मन, पूरा जब पढ़ाई पे लगा देते हैं तो उससे जो निकलना चाहिए वही निकल कर उनको समझ में आता है। और जो 10 10 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि मैं पढ़ता बहुत हूँ लेकिन फर्स्ट नहीं आ पाता हूँ, उसका उनका यही रीजन होता है, वो पढ़ते हैं लेकिन वो अपना पूरा शरीर को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं उनको फोकस नहीं कर पाता, इसलिए वो पढ़ते रहते हैं लेकिन टॉप नहीं। दोस्त इसी का खेल है, कंसंट्रेशन पावर यदि आपकी बढ़ गई तो आप ये पढ़ाई में ही नहीं पूरी दुनिया में जो करना चाहें आप वो कर पाओगे। सब कुछ नहीं, केवल एक, लेकिन केवल एक को इतने हाई लेवल पर कर पाओगे कि आप सब कुछ पा लोगे, वो केवल और केवल कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने से। तो ये कैसे बढ़ता है कंसंट्रेशन पावर, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर क्षेत्र, बिल गेट्स भी जब आता था भारत तो इसी को समझने के लिए आता है कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, उनको कैसे कंसंट्रेट कर पाए। इसको यदि आप जिस समझ लिया तो आप जो भी करना चाहते हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं तो इसके जरिए आप बन सकते हैं। क्योंकि फिर क्या होता कि आप एनालाइज करना सीख जाओगे इसके जरिए कि क्या इंपॉर्टेंट होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या क्या करना पड़ता है, वो सारे आपको एनालाइज करना, आप जो आएगा वो इसी कंसंट्रेशन पावर से आपको आएगा। उस पूरा खेल इसी का ही है, कंसंट्रेशन पावर, जिसका जितना हाई है वो उतना सक्सेस है, जितना वीक है वो उतना। आपको बस जानना है कि किस तरीके से आप अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा पाए। जिस दिन आप बढ़ा लोगे उस दिन आप टॉपर हो जाओगे। कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ती है, आप एक काम स्टार्ट करना, यदि आपको बढ़ाना हो तो आप एक शांत मुद्रा में बैठना, लेटना, जो भी है आपको रिलैक्स जैसे भी कर पाओ, यदि बैठने में आपको सही लगे तो बैठ जाओ ये कहीं भी एकांत में, और जैसे साधु लोग बैठते हैं, यदि उसमें आपको लगता है कि हाथ पैर दर्द मतलब झुंझुनी टाइप की होने लगती है तो आप लेट के भी कर सकते हो। लेट कर क्या करना है आपको, केवल 100 तक गिनती पढ़नी है, और 100 तक ऐसे गिनती पढ़नी है कि आप बिल्कुल भटको ना। होता क्या है, 25 से 40 के बीचों बीच आपका ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ध्यान से तो पढ़ोगे कि एक एक पर ध्यान देना है, दो दो पर ध्यान देना है कि हाँ आप दो बोल रहे हो, तीन तीन पर भी फोकस करना है, ऐसे कर करके आपको 100 तक गिनती पढ़नी है। और जिस दिन आप 100 तक गिनती पूरे ध्यान देकर पढ़ लोगे उस दिन आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई लेवल पर हो जाएगी। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आप 50 तक भी नहीं पढ़ पाओगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि आप 50 तक गिनती भी मतलब 50 सेकंड भी अपने ध्यान फोकस करके इसको मन से दोहरा पाओ। होगा क्या कि 25 से 30 तक की गिनती पढ़ते वक्त ही आपका मन कहीं और सोचने लगेगा, फिर आपको ध्यान देना है कि आपका मन कहाँ जा रहा है, वो कहाँ गया था, ये ध्यान आपको ही देना है, कोई और आपको नहीं बैठा के सिखाएगा। आपको गिनती पढ़नी है, हर एक पॉइंट पर 1 2 3 4 बोलते जाना है और गैप दे के बोलना है, जैसे कि 1 सेकंड में 1 बोलना है, दूसरे सेकंड में 2, फिर 3, फिर 4, फिर आपको ये भी देखना है कि आप 4 पर 4 बोल रहे हो, 5 पर 5 बोल रहे हो, ध्यान से जो बोलोगे उस पर ध्यान देना है, 6 पर वो जैसे बोलोगे 6 तो 6 पर ध्यान देना है, 7 पर फिर 7 पर ध्यान देना कि आप बोल रहे हो, ऐसे ध्यान देते जाओगे आप हर वर्ड पर, हम जो बोल रहे हो, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप
बोल तो रहे होगे, लेकिन आपका माइंड माइंड जो होगा वो कहीं और चला जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपका माइंड किस वर्ड पर चला गया था या किस नंबर पर चला गया था, तो उतनी ही आपकी पावर मतलब रहेगी। जिस दिन आपने 100 तक और पूरा पावर के साथ, पूरा ध्यान के साथ आपने गिनती पढ़ ली, उस दिन आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते आपको बढ़ाते जाना है। फिर इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप जो भी काम करेंगे उस पर फोकस रहे, आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि आप कहाँ किस लेवल पर हो, तो आपका स्तर कितना लेवल का है। मतलब कि यदि आप 100 तक गिनती पढ़ रहे हो और उस पर ध्यान दे रहे हो, 2 मिनट से भी कम वक्त का आपका कंसंट्रेशन पावर है। और यदि 100 तक आप लगातार पढ़ रहे हो, धोखा नहीं देना है, क्योंकि आपको अपनी खुद की परीक्षा खुद से लेनी है। तो आप यदि धोखा दोगे तो अपने आप को धोखा में दोगे कि यार मैं तो कर लेता हूँ, 100 तक मेरा हो गया। और यदि आपका हो रहा है तो आप में समझ नहीं पा रहे हो कि मैं जो कह रहा हूँ। ध्यान से देकर बोलना है, फोकस करना है वर्ड पर। जो 4 बोलो तो 4 आपको सुनाई दे, आपको लगे कि हाँ मैंने 4 बोल दिया है। 5, फिर ध्यान देकर 5 बोलना है, इस तरीके से 100 तक बोलना है। फिर आपको ये देखना है कि आपका माइंड 100 के पहले पहले कहाँ हट गया, किस नंबर पर चला गया। जो भी डाउट आपको हो आप हमें कमेंट करके पूछ लेना, क्लियर कर लेना। जिस दिन आपने 100 तक कर ली, ये आप मतलब बहुत लकी हो, पर्सन हो जो आप कर पा रहे हो, क्योंकि जितने भी हैं स्टूडेंट वो नहीं कर पाते हैं। और जो कर रहे हैं वो मतलब बहुत हाई लेवल के, वो कुछ भी कर सकते। हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो 2 मिनट तक की भी नहीं होती है। हम फिर 2-2 घंटे तक पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि फोकस होकर पढ़ रहे हैं, तो वो बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को। वो 2 घंटे तक कोई भी लगातार नहीं पढ़ सकता है। फोकस होना बहुत बड़ी बात होती है। प्लीज दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत काम का है, मेरा बहुत काम आया है। और आपको अपनी लिमिट समझना हो तो पढ़ते जाना। यदि आप 100 तक पहुंच पा रहे हो तो 100 से ऊपर तक जाना कि कहां तक आपकी कंसंट्रेशन पावर है। यदि आप 1000 तक आप कर पा रहे हैं तो आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट माने जाओगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 30 या 50 के बीच में ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपकी यदि कंसंट्रेशन पावर चेक करनी है कि हमारी कितनी है, तो 1 से लेकर 100 तक गिनती पढ़ना और ये चेक करना कि आप कहाँ तक जा पाते हैं। फिर आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट होता है तो फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। ये 30 पर आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, 30 तक पहुंचने से पहले ही। तो आपको ये कोशिश करनी है कि 1 से लेकर 50 तक पहले टारगेट बनाओ छोटा सा, कि आपको 50 तक आपको गिनती पढ़नी है, लेकिन पूरा माइंड के साथ पढ़नी है, पूरा फोकस होकर पढ़नी है। तो दोस्तों, ये थी टेक्निक कंसंट्रेशन पावर की। तो अब हम बात कर रहे थे कि पढ़ाई में मन कैसे लगे। तो 2 घंटे तक आप यदि पढ़ोगे तो ये आपको ज्ञात हो जाएगा कि आप नहीं पढ़ पाओगे। तो दोस्तों, ये थी टिप्स कंसंट्रेट होकर पढ़ाई में मन लगा रहे किस तरीके से पढ़ा जाए। तो उम्मीद है आपको, आप इन्हें अप्लाई करोगे और अपना एक ब्राइट फ्यूचर बनाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज डिस्कस जरूर करना। जो भी डाउट हो, क्लियर अगर ना हो तो कमेंट जरूर करना। तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसे ही रोचक और अच्छी आपको वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।